हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस कैसे हैं आप? आई होप आप सभी ठीक होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे, मजे में होंगे और हमेशा ऐसे ही खुश रहिए। आप सोच रहे होंगे आज मैं ये पार्टी मेकअप लुक करके कहाँ जा रही हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। तो बस वैसे ही मैंने सोचा कि एक लुक क्रिएट कर लेते हैं। पार्टी मेकअप आज तक मैंने नहीं किया था इसीलिए, और ये बहुत ही इजी है, आप भी इसको घर पे ट्राई कर सकते हैं। और इस पे बहुत ही ज्यादा लग रहा है कि बहुत एफर्ट डाले हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, बिल्कुल कम मेहनत में इतना अच्छा लुक आप भी क्रिएट कर सकते हैं अगर आपको किसी पार्टी में जाना है। सो इस लुक को किस तरह से क्रिएट किया है उसको एंड तक जरूर देखिएगा, तो इसलिए आपको वीडियो एंड तक देखना है अगर आप चाहते हैं तो। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसको हिट कर लीजिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है। सो गाइस देख लेते हैं कि ये लुक किस तरह से क्रिएट किया है। यस, अगर जिन्होंने ऑलरेडी इसको सब्सक्राइब किया हो उसके लिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, वेरी वेरी थैंक यू। सो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं हम वीडियो, लेट्स स्टार्ट। हे गाइस, मैं अपना जो मेकअप है वो शुरू करने वाली हूँ। सबसे पहले मैंने प्राइमर ले लिया है। आप सोच रहे होंगे सीधा प्राइमर, मैंने अपने फेस को मॉइस्चराइज कर लिया हुआ है। और आप भी जिस मर्जी टाइप की स्किन हो, ऑयली हो, ड्राई हो, जैसे भी हो, आपको मॉइस्चराइज ज़रूर करना है। सो उसके बाद ही आप अपना मेकअप जो है स्टार्ट कीजिए। मैंने मॉइस्चराइजर कर लिया हुआ है अपने फेस पे, अब मैं लगा रही हूँ प्राइमर। और प्राइमर मैं लगाने के बाद एक मिनट तक तो रखती ही रखती हूँ, हो सके तो मैं दो मिनट तक भी रख लेती हूँ अगर मेरे पास ज़्यादा टाइम हो तो। सो इसको प्लीज़ लगाने के बाद थोड़ा सेट होने के लिए प्राइमर को रख दिया कीजिए, उसके बाद आप नेक्स्ट स्टेप कीजिए। सो मैंने अब प्राइमर लगा लिया है, तो अब मैं ले रही हूँ निक्स का पैलेट। इसमें से मैं कलर करेक्टर ले रही हूँ और ये कलर करेक्टर मैं वहीं पे लगाऊंगी जहाँ पे मुझे नीड है। आप भी वहीं पे कलर करेक्टर, अगर आपके फेस पे ब्लैमिशेज, पिगमेंटेशन, समथिंग लाइक दैट कुछ है ऐसा, तो आप वहाँ पे कलर करेक्टर ले सकते हैं। ये ऑरेंज कलर का है तो आप वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। इसको मैंने फिंगर की हेल्प से ही यूज़ किया है और फिंगर की हेल्प से ही ब्लेंड किया है। नेक्स्ट स्टेप मैं ले रही हूँ फाउंडेशन। फाउंडेशन मैंने वेट एंड वाइल्ड का लिया है और ये फाउंडेशन मैं अपने पूरे फेस पे डॉट डॉट करके लगा लूंगी। गाइस सबसे जितने भी मेरे पास फाउंडेशन है सबसे अच्छा मुझे एक ये लगता है, और मुझे लॉरियल का भी बहुत अच्छा लगता है। और इसको लगाने के बाद मैं इसको अच्छे से ब्लेंड करूंगी, क्योंकि ब्लेंडिंग बहुत ज़रूरी है। अगर आप कंसीलर लगाते हैं, फाउंडेशन लगाते हैं, इसको आप अच्छे से ब्लेंड ज़रूर कीजिए। जितना टाइम दे सकते हैं ब्लेंडिंग में उतना टाइम दीजिए, क्योंकि अगर ब्लेंडिंग अच्छे से होगी आपका जो मेकअप है फ्लॉलेस दिखेगा, बिल्कुल केकी पैची नहीं दिखेगा। सो ब्लेंडिंग पे बहुत ज़्यादा टाइम दे, मेरा सबसे ज़्यादा टाइम लगता ही ब्लेंडिंग पे है। सो अगर आप भी वैसा मेकअप चाहते हैं तो ब्लेंडिंग पे ज़रूर टाइम दे। और मैंने ये जो ब्यूटी ब्लेंडर है इसको पानी में डिप करके इसको यूज़ कर लिया है। उसके बाद मैं इसको ब्लेंड कर रही हूँ, अपने फाउंडेशन को अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ। टाइम लगता है, आपको लग रहा होगा थोड़ा सा टाइम, नहीं मुझे काफ़ी टाइम लगा था, मैंने फास्ट फॉरवर्ड भी किया हुआ है इसको। सो अब फाउंडेशन को अच्छे से मैंने ब्लेंड कर लिया है, अब मैं इसके बाद लूँगी कंसीलर। सो गाइज फाउंडेशन ब्लेंड हो गया है, अब लेते हैं हम कंसीलर। कंसीलर मैंने एले गर्ल का लिया है। सो इसको मैं अपना अंडर आइज़ के नीचे लगा लूँगी और इसको भी अच्छे से ब्लेंड करूँगी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि फाउंडेशन और कंसीलर दोनों को अच्छे से ब्लेंड कीजिए। यू नो गाइज की ब्लेंडिंग इज़ मस्ट। सो इसको भी मैं अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से। और मैंने अपने आईलिड पे नहीं लगाया था, सिर्फ अंडर आई के नीचे लगाया था। और जो मैं ब्लेंड कर रही हूँ मैं अपनी आईलिड पे भी कर रही हूँ, क्योंकि जो प्रोडक्ट ब्यूटी ब्लेंडर पर आ गया था ना वो अच्छे, ताकि आईलिड पे भी अच्छे से हो जाए कवर। अब मैंने नेक्स्ट लिया है निक्स का कंसीलर। आप सोच रहे होंगे दो दो, वो मेरी स्किन टोन से मैच करता था, लेकिन ये मेरी स्किन टोन से लाइट है। इससे क्या होगा, जहाँ जहाँ मैं अपने हाईलाइट चाहती हूँ अपने फेस पे, वहाँ वहाँ मैं इसको लगाऊंगी अपने अंडर आइज़ के नीचे, कुछ इस तरह से अपने ब्रिज ऑफ नोज के ऊपर और फोरहेड के ऊपर, जहाँ जहाँ भी आपको ज़रूरत लगती है ना कि हमें यहाँ यहाँ अपने फेस पे थोड़ी सी हाईलाइटिंग चाहिए, तो वहाँ वहाँ आप इसको लगा सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिए, आप हमेशा अगर अपने फेस पे हाईलाइटिंग चाहते हैं तो अपनी स्किन टोन से एक शेड, दो शेड लाइट ही कंसीलर लीजिए हाईलाइटिंग के लिए। सो इसको भी मैं अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। सो दोनों जो कंसीलर मैंने लगाए हैं उनको भी अच्छे से ब्लेंड करना, क्योंकि वो भी क्रीमी प्रोडक्ट हैं तो वो भी केकी पैचेस दिख सकते हैं। सो इसलिए आपने ब्लेंड बहुत अच्छे से करना है। और इसको ब्लेंड करने के बाद मैं ये यूज़ कर रही हूँ पैक का लूज़ पाउडर।
आपके पास जो भी है आप वो यूज़ कीजिए, जो प्रोडक्ट आपके पास है वही यूज़ कीजिए। और ये जो मैं लूज पाउडर यूज़ कर रही हूँ मैं वहाँ वहाँ लगाऊंगी जहाँ जहाँ मैंने कंसीलर लगाया है, पूरे फेस पे नहीं लगाऊंगी। और अंडर आइज के नीचे, आईलिड के ऊपर, फोरहेड के ऊपर, नोज़ के ऊपर, चिन के ऊपर, जहाँ जहाँ भी आपने देखा कि मैंने लगाया है वहाँ वहाँ मैं इसको लगाऊंगी। और इसको लगाने के बाद मैं एक्स्ट्रा नहीं लूँगी, जो मेरे पफ पे रह गया हुआ उसी से मैं अपने पूरे फेस को सेट कर लूँगी, एक्स्ट्रा नहीं लूँगी, नेक फेस पूरे फेस को इसी से मैं सेट कर लूँगी। द नेक्स्ट स्टेप इज़ आईब्रो। आईब्रो भी बहुत ज़रूरी है, पहले मैं आईब्रो फिल नहीं करती थी तो मेकअप जो था वो इनकम्प्लीट दिखता था। ये मैंने वेट एंड वाइल्ड का लिया है और ब्राउन शेड से मैं अपने आईब्रो जो है वो फिल कर रही हूँ। सो ये एंगुलर ब्रश की हेल्प से इसको अच्छे से मैं अपने दोनों आईब्रो को अच्छे से फिल कर लूँगी। इससे जो आपका मेकअप है बहुत ही एक अलग ही आपके फेस का जो है ना लुक चेंज लगता है अगर आप आईब्रो फिल करते हैं। ये मैंने मेबलिन का पैलेट लिया है, इसमें से मैंने ये कलर लिया और इसको मैं अपनी आई क्रीज पे लगाऊंगी। आई क्रीज पे एक क्या होता है, जब आप लगाते हो ना आपकी आईज जो हैं वो बहुत ही अच्छे से दिखती हैं, कलरफुल दिखती हैं और एक क्रीज दिख जाती है आपकी आईज के ऊपर, इसलिए आप क्रीज लाइन पे ज़रूर अपना आई शेडो लगाएं। और आपने ये जितने भी कलर्स लगाए नहीं है ना तब तक आप लगाएं जब तक आपको आपका एक डिज़ायर कलर ना मिल जाए। मुझे बस इतना ही चाहिए था, अगर आप इसे डार्क चाहते हैं तो आप और भी इसको डिपॉजिट कर सकते थे अपने आई लिड के ऊपर, सॉरी अपने आईज मेकअप में। देन उसके बाद मैंने थोड़ा सा डार्क कलर लिया है, उसको आई क्रीज के थोड़ी सी नीचे ही मैं इसको अप्लाई कर रही हूँ। और ये भी मैं उतना ही करूँगी जितना मुझे लगता है कि मुझे अपना आईज़ को इतना ही कलरफुल बनाना है। अब मैं इसमें से ले रही हूँ, वेट एंड वाइल्ड का है ये, इसमें से लाइट शेड ले रही हूँ और अपनी आईलिड पे इस पर डिपॉजिट करूँगी मैं और अच्छे से इसको ब्लेंड कर लूँगी। हाँ, आई मेकअप में भी ब्लेंडिंग बहुत ज़रूरी होती है, नहीं तो आपकी आईज़ जो है पोटरी दिखेगी। और जो आपको पता है ये जो पैलेट होते हैं वो पोटरी होते हैं तो आप फॉलो आउट होता रहेगा अगर आपने अच्छे से इसको ब्लेंड नहीं किया होगा। अब मैं गोल्डन और कॉपर दोनों को मिक्स करके अपने फिंगर की हेल्प से अपने आईलिड पे लगा लूंगी इन दोनों कलर्स को, क्योंकि जो भी ग्लिटरी और शिमरी प्रोडक्ट होते हैं, सॉरी ये शेडोज होते हैं, इनको हमेशा अपनी फिंगर की हेल्प से ही लगाएं, उससे ज़्यादा अच्छे से लगता है। ब्रश से बेटर आपकी फिंगर की हेल्प से लगता है अगर आपने कोई ग्लिटरी या फिर शिमरी अपनी आईज़ के ऊपर लगाना है कलर। देन उसके बाद मैंने ये ब्राउन कलर और ये जो मैंने कॉपर कलर शिमरी लगाया था इन दोनों को मैं अपनी अंडर आई के नीचे लगाऊंगी। अंडर आई के नीचे भी आप अपना मेकअप सॉरी ये जो शेडोज हैं ये ज़रूर लगाएं। इससे क्या होगा, आपकी आईज़ एक तो बिग दिखेंगी, स्मोकी भी दिखेंगी और आई लुक बहुत ही प्यारा सा आएगा, जैसे कि आप किसी पार्लर्स में जाके तैयार होके आए हैं। मैंने इसमें से एक गोल्डन ले लिया है, इसको भी मैं अपनी अंडर आई के नीचे लगा रही हूँ, जैसे मैंने आपको दोनों कलर पहले बता दिए थे। अब मैं ले रही हूँ काजल। काजल मैं अपनी वाटर लाइन और अपर लैश लाइन में दोनों में लगाऊंगी। इससे भी क्या होता है, आपकी आईज जो हैं वो बिग दिखती हैं और एक बहुत ही क्यूट सा लुक आ जाता है आईज में अगर आप अपनी अपर लैश लाइन में भी काजल लगाते हैं। तो आप काजल भी अपने हिसाब से डार्क लाइट जैसा लगाना चाहते हैं उतना लगाएं, मुझे ज़्यादा डार्क नहीं चाहिए था इसलिए मैंने थोड़ा सा कम ही रखा। अब मैं ले रही हूँ लाइनर। लाइनर मैं अपने सोच रही हूँ विंग बनाऊँ, लेकिन मुझे इतने अच्छे से बनाना नहीं आता है, बट विल ट्राई। मैंने अपने जो लाइनर है वो लगा लिया और बिल्कुल थोड़ा सा विंग बनाया है, पता नहीं दिख भी रहा होगा कि नहीं। देन नेक्स्ट उसके बाद मैं ले रही हूँ मस्कारा। मस्कारा लैशेस अच्छी दिखती हैं ये तो सभी जानते हैं। गाइस मैं एक चीज़ भूल गई, मैंने तो अपने आई कर्ल ही नहीं किए क्योंकि मैं लैशेस यूज़ नहीं करती हूँ। जब मैं लैशेज यूज़ करती हूँ मुझे बहुत हैवी लगता है, एक बार यूज़ की थी बहुत वाटरी हो गई थी आईज़, उसके बाद मैंने कभी यूज़ ही नहीं की ही, मुझे डर लगता है। छोड़िए उस बात को। तो मैं अपने आईज़ को कर्ल कर रही हूँ, आई लैशेज़ को कर्ल कर ले रही हूँ। इससे क्या होता है, इससे लगता है कि आपने लैशेज लगाई हुई हैं, अगर आपकी बहुत ही थिक हैं तो वो तो बहुत ही प्यारी लगेंगी। उसके बाद मैं अपनी लोअर लैशेज और अपर लैशेज दोनों में जो मस्कारा है वो लगा रही हूँ, अच्छे से लगा रही हूँ। जितने कोट आप चाहते हैं मैं कम से कम 2-3 कोट लगा रही हूँ इसमें, तो अच्छे से हैवी लैशेस लगेंगी। देन आई मेकअप कंप्लीट हो गया। इसके बाद मैं आ रही हूँ अपने फेस के ऊपर। ये मैंने ब्रॉन्जर ले लिया है रेवोल्यूशन का। अब मैं अपने फेस को अच्छे से ब्रॉन्ज कर लेती हूँ।
अगर आपको ब्रॉन्जिंग करना नहीं आती है, इस तरह से अपने पाउट बनाइए और अच्छे से ब्रॉन्ज कीजिए और इस सर्कुलर मोशंस में थोड़ा सा ऊपर लेके जाइए तो बहुत ही अच्छे से ब्रॉन्जिंग होगी। आप देखिए कुछ इस तरह से, जिस तरह से मैं कर रही हूँ, अब मैं सर्कुलर मोशन में थोड़ा सा ऊपर लेके जा रही हूँ, कुछ इस तरह से बहुत ही अच्छे से आपका फेस जो है ब्रॉन्ज हो जाएगा। अगर कॉन्टोर करते हो तो कॉन्टोर भी आप एयरलाइन से नीचे लेके हुए आए। देन अब मैं अपनी जॉ लाइन पे, फोरहेड पे, नोज पे, सभी जगह अच्छे से ब्राउन्स कर लूँगी। ब्राउन से क्या होता है, एक शेडो दिखती है, आपका फेस जो है वो फ्लैट नहीं दिखता है, क्योंकि आफ्टर फाउंडेशन क्या होता है, फेस बिल्कुल फ्लैट सा दिखता है। सो इसीलिए हम ब्राउन्जर लगाते हैं। सो नेक्स्ट, अब मेरे पास ये ब्रश मिल नहीं रहा था, वही ढूंढने गई थी, तो अब मैं अपने नोज़ पे ब्रॉन्ज कर लूँगी। और आपने क्या करना है, नोज़ पे किस तरह से करना है, जो आपकी आईब्रो होती है ना, वहाँ से लेके नीचे तक आए और इसको अच्छे से ब्लेंड कर लीजिए। चाहे पाउडरी है तब भी आपको इसको अच्छे से ब्लेंड करना है। सो जो मेरा ब्रॉन्जर वो कंप्लीट हो गया। अब मैं लगाने वाली हूँ ब्लश, ये कलर बार का है, और मैं ब्लश भी अच्छे से लगाऊंगी। गाइस अगर आप ब्लश लगाते हो ना, ये मैं सोचे ज़्यादा लग गया है या क्या है, ब्लश जो है वो बहुत ही जल्दी फेड होता जाता है। सो अगर ज़्यादा लग गया है, आप ब्यूटी ब्लेंडर जिससे आपने फाउंडेशन को ब्लेंड किया हुआ है वो ब्लेंडर लेके थोड़ा सा इसके ऊपर डैब डैब कर दीजिए, जो आपका आपका ब्लश है वो कम दिखेगा। अगर ज़्यादा लग गया है तो आपको अच्छा नहीं लग रहा है, इन दैट केस ओके। सो मैंने अपने फेस पे अच्छे से ब्लश कर लिया है, और मैं अपनी थोड़ी सी नोज़ पे भी करूँगी। नोज़ पे भी एक अच्छा सा लुक आ जाता है, तो फेस बहुत ही अच्छे से दिखता है। अब मैं लगा रही हूँ हाइलाइटर। सो हाइलाइटर मैंने शुगर का लिया है, और इसमें से ये मैं गोल्डन कलर लगा रही हूँ, कॉपर कलर है ये, सॉरी। सो इसको आपको पता है, हाइलाइटर अपने चिक बोन्स पे लगाते हैं, फोरहेड पे लगाते हैं, और नोज़ के ऊपर लगाते हैं। ये देखिए, हाइलाइटर लगाने के बाद जो आपका ब्लश है वो इतना दिख नहीं रहा जितना कि लग रहा था, बहुत ज़्यादा ब्लश लगा लिया हुआ है। सो इस तरह से जब आप हाइलाइटर लगा लेते हो, हाइलाइटर भी आप लगा सकते हैं जितना मन करता है, जितना मन करता है, ये नहीं है कि आप पूरा ही एक ही दिन में ख़त्म कर दीजिए, बट हाँ, हाइलाइटर लगाने से भी आपका जो फेस है ना बहुत चमकता है, बहुत ही ग्लो करता है। सो मैंने अपने नोज़ पे लगा लिया है, फोरहेड पे लगा लिया, चिन पे लगा लिया है, और देन उसके बाद मैं अपनी जो लिप लाइनर है वो लगा रही हूँ। तो लिप लाइनर जो मैं लगा रही हूँ, और अपने मैंने अपने लिप्स में भी इसको फिल कर लिया। अब मैं लगा रही हूँ लैकमी की लिपस्टिक। और लिपस्टिक लगाने के बाद, जैसे कि गाइस आपको पता है, लिपस्टिक लगाने के बाद मैं अपनी फिंगर की हेल्प से भी ब्लेंड करती हूँ। लिपस्टिक मैंने लगा ली है, और इसको अब मैं अपनी फिंगर की हेल्प से अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। उससे आपकी जो लिपस्टिक है, जैसे कई बार क्या होती है, बहुत ही चेपी सी लगती है, वैसा नहीं लगता है, अच्छे से ब्लेंड हो जाती है। अब देन मेरा जो मेकअप है वो कम्प्लीट हो गया। अब मैं लगा रही हूँ मेकअप फिक्सर, ताकि मेरा जो मेकअप है एज इट रहे काफ़ी लॉन्ग टाइम तक। और हाँ गाइज, मैं थोड़ी सी एक ना बिंदी भी लगाऊंगी, वो मैं अभी नहीं लगा रही हूँ, मैं अपनी ड्रेस चेंज करने के बाद बिंदी भी लगाऊंगी, देखिए आप लुक कैसा लगेगा। सो चलिए, सो गाइज ये है मेरा फाइनल लुक। अगर आपको ये लुक अच्छा लगा तो आप शेयर और लाइक जरूर कीजिएगा। आप भी इस तरह से अपना जो मेकअप है कर सकते हैं किसी पार्टी में जाने के लिए। यहाँ पे मैंने कुछ इसलिए नहीं पहना है क्योंकि ये हाई नेक है तो कुछ दिखेगा नहीं, कोई नेकलेस वगैरह, लेकिन अगर आपका डीप नेक है तो आप कोई नेकलेस जरूर पहन लें इसके साथ में। और देखने में बहुत ही ये हैवी मेकअप लग रहा है, लेकिन इतनी मेहनत नहीं है और ना ही ज्यादा मेकअप है। सो थोड़े से एफर्ट के साथ आप भी ऐसा लुक क्रिएट कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताना, और शेयर लाइक जरूर कर देना। सो बाय फ्रेंड्स, सी यू नेक्स्ट टाइम इन द न्यू वीडियो। बाय।